तो दोस्तों ये है मेरे पास आज बोट एयरडॉप्स 131 एंड बोट एयरडॉप्स 141। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले इन दोनों एयरबड का आपस में कंपैरिजन और जानेंगे इसकी साउंड ऑफ क्वालिटी, इसके फीचर्स और इसकी बिल्ड क्वालिटी, और बाद में बात करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट एयरबड होने वाला है। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको करना क्या, सिंपली वीडियो पर बने रहना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इन दोनों एयरबड के चार्जिंग केस की जो बिल्ड क्वालिटी उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप सबको दोनों एयरबड की जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें बोट एयरडॉप्स 131 के जो फिनिशिंग एंड लुक और डिज़ाइन की, तो यहाँ पे आप सबको ग्लोसी फिनिशिंग देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर आप सबको जल्दी से स्क्रैच वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और वहीं आप सबको बोट एयरडॉप्स 141 में मैट फिनिशिंग के कारण यहाँ पर आप सबको स्क्रैच वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। और इन दोनों के फ्रंट साइड के जो लुक और डिज़ाइन की बात करेंगे, तो यहाँ पर 131 में आप सबको बोट का जो ब्रांडिंग है वो बोट का जो टाइटल है वही देखने को मिल जाते हैं, एंड 141 में आप सबको यहाँ पे बोट का जो लोगो है उसका ब्रांडिंग देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में यहाँ पे आप सबको 131 में 3 LED लाइट इंडिकेशन मिल जाते हैं देखने को, वहीं 141 में 4 LED लाइट इंडिकेशन देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि बैटरी का जो एक्चुअल परसेंटेज है वो ईजिली तरीके से पता लगाया जा सकता है। और अगर हम दोनों एयरबड के चार्जिंग केस का जो एक्चुअल साइज और वेट की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप सबको 131 बहुत ही स्लीक साइज एंड लाइट वेट देखने को मिल जाता है, वहीं आप सबको बोट एयरडॉप्स 141 थोड़ा सा ब्रॉड एंड थोड़ा सा हैवी देखने को मिल जाएंगे। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों के जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इन दोनों एयरबड के चार्जिंग केस की अगर हम बात करें, तो इन दोनों एयरबड के चार्जिंग केस में आप सबको टाइप सी चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अब हम इन दोनों एयरबड्स के लुक और डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। तो ठीक वैसे ही आप सबको 131 एंड 141 मैट फिनिशिंग के साथ में, 131 आपको ग्लोसी फिनिशिंग के साथ में देखने को मिल जाते हैं, एंड इसकी जो ओवरऑल प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो दोनों ईयरबड्स की प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में यहाँ पे अगर हम और लुक और डिज़ाइन की बात करेंगे, तो 131 और 141 में से 141 के जो लुक और डिज़ाइन वो काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाते हैं आप सबको। और अगर हम दोनों ईयरबड्स में कम्फर्टेबल एंड फिटिंग लेवल की बात करेंगे, तो आप सबको यहाँ पे 131 हाफ ईयर ईयर टिप्स देखने को मिल जाते हैं, वहीं आपको 141 में इन ईयर ईयर टिप्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके कारण आप सबको 141 का जो कंफर्टेबल है और फिटिंग है वो 131 से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। यानी कि कंफर्टेबल लेवल अगर देखा जाए, तो 131 से 141 का जो कंफर्टेबल लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर आप सबको देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें इन दोनों एयरबड्स के मैनुअली कंट्रोल के बारे में, तो यहाँ पे आप सबको बोट एयरडॉप्स 131 में बटन कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, जिसे कि बटन प्रेस करने से इसके जो फंक्शन है, जैसे कि म्यूज़िक को प्ले पॉज या कॉल को अटेंड करना या डिस्कनेक्ट करना, तो यहाँ आप सबको बटन कंट्रोल मिल जाते हैं, जिसे कि प्रेस करने से आप फंक्शन यूज़ कर सकते हो। वहीं पर आप सबको 141 में टच कंट्रोल यानी कि सेंसर बटन देखने को मिल जाता है, जस्ट टच करने से आपके जो फंक्शन है वो वर्क करने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि गूगल असिस्टेंट में म्यूज़िक को प्ले पॉज करना या कॉल को अटेंड और डिस्कनेक्ट करना। तो ये 131 से काफ़ी ज़्यादा बेटर और एडवांस फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल इसके जो फीचर्स और कंफर्टेबल में, तो 141 काफ़ी ज़्यादा बेटर है 131 से। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों एयरबड के कुछ स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको हम बात करें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को लेकर, तो यहाँ पे आपको दोनों एयरबड में 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है। और साथ में अगर बैटरी की बात करें, तो यहाँ पे आप सबको 131 की जो बैटरी लाइफ है वो आपको 15 घंटे का कंटिन्यू प्ले टाइम मिल जाता है, जो कि विद चार्जिंग केस के साथ है। और अगर हम सिर्फ एयरबड्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको 3 से 4 घंटे का प्ले टाइम मिल जाता है। और वहीं पे अगर हम बात करें 141 में, तो आप सबको 42 वाट्स के कंटिन्यू प्ले टाइम मिल जाता है, जो कि विद चार्जिंग केस है। और अगर हम एयरबड की बात करेंगे, तो आप सबको 5 आवर्स की जो प्ले टाइम मिल जाते हैं। और इसमें आप सबको IPX5 का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि आप सबको 131 में देखने को नहीं मिलेंगे। और 131 बटन कंट्रोल के साथ में आता है, वहीं साथ में आप सबको 141 में टच कंट्रोल के साथ देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम ड्राइवर की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप सबको 131 में जो ड्राइवर साइज है वो 30 mm का मिल जाता है, वहीं आप सबको 141 में जो ड्राइवर साइज है वो 8.5 mm का मिल जाता है, जो कि साइज छोटा है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें म्यूज़िक ऑफ साउंड ऑफ क्वालिटी दोनों में से किसका ज़्यादा बेटर है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें 131 का जो साउंड क्वालिटी है थोड़ा सा बेटर है 141 से। और वहीं पे अगर हम बात करें 131 का जो साउंड ऑफ क्वालिटी लाउडनेस 131 से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर दोनों में हम बात करें साउंड ऑफ क्वालिटी, तो 131 की जो म्यूज़िक क्वालिटी वो 141 से काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप सबको 141 में IPX4 का स्वेट प्रूफ का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि 131 में देखने को नहीं मिलेंगे। और 141 में यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि 5 मिनट में आप सबको 90 मिनट
100 का प्ले टाइम मिल जाता, जो कि 131 में ऐसा कुछ भी फीचर देखने को नहीं मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर बात करें कि दोनों बर्ड्स में से कौन सा ज़्यादा बेस्ट है, कौन सा बाइक करना चाहिए, तो गाइस प्राइस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दोनों बर्ड्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ में है। लेकिन अगर फीचर्स वाइज हम देखा जाए तो यहाँ पर आप सबको 141 के जो बिल्ड क्वालिटी एंड साउंड ऑफ क्वालिटी एंड फीचर्स वाइज देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाले हैं 131 से। तो दोस्तों इन दोनों ईयरबड में से आप सबको कौन सा ईयरबड ज़्यादा बेटर लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप सब हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही न्यू गैजेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।